गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8 इंग्लिश। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने इंग्लिश चैप्टर को रीड किया था। वी अंडरस्टैंड दैट चैप्टर, बहुत ही अच्छा चैप्टर था। इसके क्वेश्चन आंसर बाकी हैं और इस बुक के अंदर सारे क्वेश्चन आंसर्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उसको हम अपनी लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, उसको हम किसी और दिन हम डिस्कस करेंगे। इसमें जो एक पोयम दे रखी है इसी बुक के चैप्टर के पोर्शन के अंदर आगे, द आंट एंड द क्रिकेट। तो आंट जो होता है आपको पता क्या होता है, क्रिकेट एक तरह का इंसेक्ट होता है। तो इन दोनों के ऊपर एक पोयम है और बहुत ही जो है एक मैसेज देने वाली पोयम है और इस पोयम को हम आज पढ़ेंगे। सो ये पेज नंबर 17 के ऊपर है ये पोयम। सो हम स्टार्ट करते हैं। अ सिली यंग क्रिकेट अकस्टम्ड टू सिंग, अ सिली यंग क्रिकेट अकस्टम्ड टू सिंग through the warm sunny months of gay summer and spring, began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. So first para hai, usme ye ek cricket insect hai uske bare mein bol rahe hain ki wo ek silly young cricket hai जो हैबिचुअल है, कस्टम्ड मतलब होता है हैबिचुअल है सिंग करने का, मस्ती करने का, मौज करने का। और थ्रू कब, जब सनी डेज होते हैं, मौसम जो होता है, वेदर जो होता है बहुत शानदार होता है, स्प्रिंग का पीरियड है उस टाइम में। और लेकिन कब कंप्लेन करने लगता है जब वो उसको ये लगता है कि अब उसके घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं है, कपबोर्ड उसके खाली है जहाँ पे राशन का सामान है और विंटर आ गया है। कौन सा सीजन आ गया है, विंटर का सीजन आ गया है, क्योंकि समर के सारे सीजन में उसने क्या किया है, मौज मस्ती की है, गाना गाया है, सिंग किया है, डांस किया है। नॉट ए क्रम्ब टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री। अब विंटर जो है अपने यहां जैसे भी विंटर पड़ता है वैसा विंटर नहीं है, वहां पे इतना भयंकर विंटर का सीजन है जहां पे टेम्परेचर इतना डाउन हो जाता है कि सारे के सारे रोड्स हैं, फार्म्स हैं, हर जगह जो है स्नो की बहुत बड़ी लेयर, थिक लेयर जो है वो जमा हो जाती है। और ये कह रहा है कि नॉट ए क्रम्ब टू बी, कोई भी जो है इटेबल जो है टुकड़ा जो है वो मिल नहीं रहा है, पीस जो है वो ग्राउंड में मिल नहीं रहा है। हर जगह जो ग्राउंड है वो स्नो से कवर है, कोई फ्लावर दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ ट्री के ऊपर कोई लीफ नहीं है, क्योंकि हर जगह स्नो है, वेदर ऐसा है। ओह व्हाट विल बिकेम सेज द क्रिकेट ऑफ मी, अब मेरा क्या होगा भैया, अब क्या हो। तो क्रिकेट बोलता है क्योंकि अब खाने के लिए कुछ नहीं है। सेकंड स्टेंजा पे आते हैं। एट लास्ट बाय स्टार्वेशन एंड फैमीन मेड बोल्ड all dripping with wet and all trembling with cold, away he set off to a miserly aunt to see to keep him alive he would grant. तो फर्स्ट पैरा सेकंड स्टैंजा का एक्सप्लेन कर देता हूं मैं कि अब वो जो अपने घर में है काफी वेट करने के बाद में एट लास्ट स्टारवेशन की वजह से, हंगर जो एक्सट्रीम पहुंच गई है, तो स्टारवेशन और जो फैमीन है ग्राउंड में कहीं पे भी फार्म में कोई खेत खलिहान के अंदर कुछ भी उगा हुआ नहीं है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं,
जब अनाज जो है वो खेतों में होता नहीं है, वर्स्ट नेचुरल कंडीशन की वजह से, या तो बहुत ज़्यादा समर समर के अंदर जब ये रेन नहीं होता है, तब क्या होता है, कोई फार्मिंग नहीं हो पाती है प्रॉपरली, और जो अनाज होता है वो खेतों के अंदर सारा जल जाता है और उगता नहीं है, तो क्या होता है, फेमिन पड़ता है। और उसी तरह जब बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है विंटर सीजन के अंदर, तब भी स्नो की जो लेयर होती है उसकी वजह से कोई भी जो है वो एग्रीकल्चर प्रॉपरली हो नहीं पाती, फार्म के अंदर जो है अनाज उग नहीं पाता है, तो भी फेमिन होता है। तो यही कर रहे हैं कि जो स्टारवेशन, और देखा फेमिन पड़ा हुआ है हर जगह, कहीं पे भी कुछ खाने के लिए नहीं है, तो दैट मेड हिम बोल्ड। किसको बोल्ड, मतलब ये कि उसको ये एनकरेज किया या पुश किया ताकि वो अपने जो घर था, होम था, हाइड आउट था, जिसमें वो ये क्रिकेट रहता है इंसेक्ट, वो अपने हाइड आउट से बाहर निकले ऐसे कोल्ड सीजन में। आगे वाली लाइन है, ऑल ड्रिपिंग विथ वेट, पूरी बॉडी जो है उसकी वेट हो गई है, टपक रहा है पानी वेट, एंड ऑल ट्रिम्बलिंग विथ कोल्ड, और पूरी बॉडी जो है वो ट्रिम्बल कर रही है, कांप रही है कोल्ड से। क्यों? क्योंकि सीजन, विंटर सीजन में बाहर इतनी थिक लेयर जो है वो स्मोकी है। ही सेट ऑफ टू ए मिजरेनी आंट, और एक मिजरेनी आंट, मिजरेनी मतलब जो बहुत ज्यादा कंजूस है, मिजरेनी आंट। अब देखिए इसके अंदर दो, एक है क्रिकेट, मेन जो कैरेक्टर है इस पोएम के। तो अब वो मिजरेबल आंट के पास जाता है, अब क्या होता है आगे देखते हैं। टू सी टू कीप इन अलाइव ही वुड ग्रांट, कुछ ग्रांट कर दे, कुछ दे दे उसको, ठीक है ना, ताकि वो जिंदा रह सके, अलाइव रह सके। हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, ताकि वो जो बारिश हो रही है अभी उसमें उसको वो शेल्टर दे सके, तभी तो वो पूरा वेट था। एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन, और कुछ खाने के लिए ग्रेन, ग्रेन मतलब अनाज होता है। ही विश्ड ओनली टू बोरो, उसका इच्छा ये नहीं है कि दे दे और भूल जाए, नहीं, केवल बोरो, वो बोरो करना चाहता है, उधार चाहता है, अभी जो बाद में वो रिटर्न भी कर देगा। ही वुड रीपे इट टुमारो, और वो रीपे करेगा इसको, इसको वापस लौटा देगा टुमारो। फिर टुमारो का मतलब अगले दिन नहीं, टुमारो का मतलब जब समर सीजन आएगा, ये विंटर सीजन चला जाएगा, तब रिटर्न कर देगा। अब स्टैंड नेक्स्ट, अगला पहला देखते हैं। इफ Not he must die of starvation and sorrow, says the ant to the cricket. I am your servant and friend, but we ants never borrow. We ants never lend. But tell me, dear cricket, did you lay nothing by? When weather was warm, could the cricket not eye? अब देखिए समझिएगा, बहुत अच्छा है, पहली लाइन है इसके अंदर। इफ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, अगर मिजरी जो आंट को एड्रेस करता है भाई, कि अगर वो कुछ भी खाने के लिए नहीं मिलता है तो वो मर जाएगा, किससे, स्टारवेशन से, समझ में, और दुख से, सोरो से। सेज द आंट टू द क्रिकेट, अब यहाँ पे अब आंट जो होता है वो क्रिकेट को क्या बोलता है, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, मैं आपका सर्वेंट हूं, मैं आपका फ्रेंड,
जो हम आंट हैं, जो हम आंट हैं, ना हम किसी को कुछ देते हैं ना हम किसी से कुछ लेते हैं, ठीक है ना, ना हम किसी को उधार देते हैं ना किसी से उधार लेते हैं, अगर आप यूं समझ लीजिए। लेकिन एक बात बताओ, बट टेल मी जीएल क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय, क्या तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं, कुछ भी ले नहीं किया, अपने पास कुछ भी नहीं रखा है। जब कहने का मतलब यह है कि जब वेदर जो था वाम था, उस वक्त क्या कोई चीज स्टोर नहीं की थी ताकि जब वर्स्ट कंडीशन आए, जब बुरी कंडीशन आए, तब ये राशन सनी टाइम में समर के अंदर, अगर आप समर सीजन के अंदर कुछ भी राशनिंग नहीं की थी, इसके लिए विंटर के लिए, क्योंकि विंटर में तो पता ही है कि इस तरह का क्लाइमेट रहेगा, स्नो की ऐसी थिक लेयर रहेगी और क्या पड़ेगा, फैमी तो होना ही होना है। तो जब ये सारी चीजें पता है तो क्या राशनी बिल्कुल नहीं करी, अपने पास में कोई चीज नहीं रखी, कौन पूछ रहा है, या आंट पूछ रहा है, किससे पूछ रहा है, क्रिकेट से पूछ रहा है। तो इस पे क्या बोलता है वो, क्रिकेट नॉट आई, नहीं मैंने तो कोई राशनी नहीं करी, कहने का ये मतलब है कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, कि मैंने कुछ बचा के नहीं रखा, मेरे पास कुछ भी नहीं है। My heart was so light that I sing day and night. अब ये क्या कह रहा है कि जब समर का टाइम था, जब मैंने ये अपने फर्स्ट एंजा में बताया था, ब्यूटीफुल पीरियड, स्प्रिंग का पीरियड था, ये पीरियड था जब एवरीथिंग वॉज ब्यूटीफुल, तो तब की बात कर रहा है कि माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सिंग डे एंड नाइट। अब इस एंजा के अंदर, थर्ड के अंदर तो बता रहा है कि वो पीरियड इतना ब्यूटीफुल था कि मैंने दिन रात जो है वो सिंग किया, फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे। तो उसने बोला कि जो ये पूरा नेचर इतना खूबसूरत था, ये था पसंद, मतलब शानदार था, कि मैंने बस गाना गया और मौज किया। तो आगे बोल रहा है यू सिंग सर, यू से, अब आन बोल रहा है कि यू सिंग उस टाइम में, किस टाइम में, समर में सिंग किए, तो फिर गो देन, तो जाओ एंड डांस द विंटर अवे, और अब डांस करो, पहले आपने सिंग किया समर में, अब यहां पे क्या करो, डांस करो ताकि विंटर चला जाए। समर का टाइम कैसे गया आपने, सिंग करके चला किया, तो विंटर का टाइम आप डांस करके निकाल दो। Thus ending, he hastily lifted the wicket and out the door turned poor little cricket. और इसके बाद इसने फटाफट जल्दी से hastily झटपट उसने कन्वर्सेशन खत्म की और अपने घर दरवाजा खोल के घर से बाहर निकाल दिया। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट इस स्टैंजा की लास्ट दो लाइन है वो है फोक्स कॉल दिस अ फेबल, जो कई लोग हैं, बहुत से लोग हैं दुनिया के, जो लोग हैं इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फेबल, कि जो लोक कथाएं होती है, फेबल्स हैं, वो फेबल कहते हैं। आई शेल वारंट इट ट्रू, मैं इसको वारंट इट ट्रू का मतलब ये है कि मैं इस चीज को सच बोलूंगा, सम क्रिकेट है फोर लेग एंड सम है टू लेग। अब ये मैसेज है, अब ये कह रहा है कि सम क्रिकेट है फोर लेग एंड सम है टू लेग। अब इसका मतलब क्या हुआ, यही मैसेज है, ये मैसेज ये है कि जो फोर लेग्स वाले हैं वो तो इंसेक्ट्स हैं,
लेकिन 2 लेग्स वाले हैं वो उनके लिए वो बताते हैं ह्यूमंस, हम इंसानों के लिए। हम इंसान जो है समर सीजन जब अच्छा टाइम होता है मेहनत करने वाला, क्योंकि आंट यहाँ पे ऑनेस्ट हार्ड वर्क वर्किंग लेबोरियस कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, और क्रिकेट लेजी मूडी एंड प्रोकास्टिनेटिंग, मतलब कभी भी और एक और हो सकते हैं रिस्पॉन्सिबल। इस चीज को रिप्रेजेंट करना, इसका मतलब जब आपका काम करने का समय आता है, जब आप काम कर सकते हो हार्ड वर्क करके, जैसे आंट को आपने देखा है हार्ड वर्क करते हैं, आप को हार्ड वर्क करके हमेशा स्टोर करके रखना है, ताकि रेनी डेज में जब मुश्किल भरे दिन होते, रेनी डेज यहाँ पर वर्ड है, बरसात वाले दिन के लिए नहीं बोल रहा मैं, रेनी डेज का मतलब जो मुश्किल भरे दिन आते हैं, तब उस टाइम में आप जो है अपने पास में, आपके पास में कितना जो है बैंक बैलेंस होना चाहिए, इतनी सारी वो सिक्योरिटी होनी चाहिए, ताकि आपके रेनी डेज के अंदर आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आए। यूं समझिए आपकी, आप अभी 20 इयर्स के हैं और आप जॉब कर रहे हैं और आप मेहनत करते हैं, 30 इयर्स 40 इयर्स तक आपने किया जॉब, और जब फ्यूचर के अंदर आप बीमार होते हैं और आपको वहाँ पे मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और अगर आपने अपने उस समर सीजन में जब आप 20 इयर्स के 30 इयर्स के होते हैं और उस वक्त आप लेजीनेस शो करते हैं, कुछ कमाएंगे नहीं, तो जब आप बीमार होंगे 40 इयर्स के एज में रेनी डेज के टाइम में, तब आपके पास में किस तरह की स्टेज स्थिति होगी, सरकमस्टांसेस बिल्कुल ऐसे होंगे जैसे क्रिकेट के हुए थे, आपके पास में कुछ भी पेन एक सिंगल पेनी नहीं होगी, ताकि आप अपने मेडिकल एक्सपेंसेस में जो है एक्सपेंस पे आप स्पेंड कर सकें। फिर आप इधर उधर जाएंगे और बोलेंगे कि भैया मेरे को प्रॉब्लम है, मेडिकल प्रॉब्लम, मुझे मेरी हेल्प कर दीजिए, और हर जो दूसरा इंसान होगा आपका जो है वो क्या बोलेंगे, वो किस तरह होगा, आंट की तरह हम रिप्लाई करेंगे और आपको मना कर देंगे, क्योंकि उनको पता है कि आप क्या हो, एक इरेस्पॉन्सिबल पर्सन हो। इसलिए आपको इस पोएम से जो मैसेज है वो लेना है कि आपको मेहनत करनी है, ताकि आप फ्यूचर में जो रेनी विंटर जो बताया रेनी सीजन है, उस रेनी सीजन में आप आंट की तरह आराम से अपने जो होम है उसमें बैठ सको, और यू कैन एंजॉय दैट वेदर आल्सो द सेम वे यू कैन एंजॉय अदर वेदर्स। तो ये पूरा जो पोयम है मैंने इस पूरे वीडियो में बना समझा दिया है आपको, इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन बाद में करूँगा। सेंसेस वाले बुक के अंदर आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आपको असाइनमेंट में दे दिया जाएगा। तो आज का वीडियो मैं यही ड्रॉप करता हूँ, थैंक यू।